मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश सरकार के बजट को निराशाजनक बताते हुए जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि बजट में न तो शराबबंदी है और न ही बेरोजगारी भत्ता के सरकारी वादे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष तिवारी। बजट को निराशाजनक करार दिया है और समूचे विपक्ष ने तमाम आंकड़ों की जुबानी ये कहा है कि ये बजट दिशाहीन नजर आता है और इसमें सरकार का एक विजन नजर नहीं आता। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से बात करने की हम कोशिश करते हैं। सर, निराशाजनक बजट ये विपक्ष कह रहा है? नहीं, निराशाजनक इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैंने आंकड़े बताए, एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट 3.9 से 3.3 आ गया, इंडस्ट्री सेक्टर में 5.36 से घट के 4.9 आ गया, जीएसडीपी में जो शेयर था एग्रीकल्चर सेक्टर का 17.21% से घट के 16.68 हो गया। एक वर्ष में इंडस्ट्री क्षेत्र में जो हमारा शेयर था 47.37 घट के 46% हो गया, और जो प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़नी थी, जो ग्रोथ 7.8% था, वो घट के 6.35% हो गया। इसका मतलब हुआ पिछले बजट की प्रतिक्रिया और रिएक्शन एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पर कैपिटा इनकम में स्पष्ट दिख रहा है। और बड़ी बड़ी बातें हो रही, 13 लाख हेक्टर से 32 लाख हेक्टर तक सिंचाई कर देंगे, कहाँ से करोगे भाई? कहाँ से फंड है? कोई बजट में पैसा रखा नहीं है, कोई सड़क की नई योजना नहीं, रेलवे की हमारी 6 परियोजना जिसमें सिर्फ 600 करोड़ खर्च करके आप 20,000 करोड़ का काम कर सकते हैं, एक पैसा नहीं। पार्ट पर कोई सरकार का विजन बढ़ेगा ही नहीं, राजस्व घटता जा रहा है। राजस्व बढ़ेगा नहीं, राजस्व घटता जाएगा, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का। लगातार 15 सालों तक सत्ता में रहते हुए बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करते रहे हैं। बजट की बारीकियों को समझने के बाद स्वराज एक्सप्रेस से बात कर रहे थे और डॉक्टर रमन सिंह ने इस बजट को निराशाजनक करार दिया है। हालांकि दो बड़ी योजनाएं, दो बड़ी घोषणा भूपेश सरकार की इस बजट में नजर आती है। एक किसानों के लिए राजीव न्याय योजना और शिक्षा कर्मियों के सम्मेलन की एक बड़ी सौगात शिक्षा कर्मियों के हिस्से जरूर आई है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।